बारह जड़ी बूटियों से बना रेक्स प्रिंट टॉनिक खाएं। खुद भी खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। स्मार्ट लोगों की चॉइस, रेक्स प्रिंट टॉनिक। केरल हाईकोर्ट ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा है कि आतंक से संबंधित वीडियो देखना और जिहादी साहित्य पढ़ने से कोई आतंकवादी नहीं बन जाता। न्यायमूर्ति एएम शरीफ और न्यायमूर्ति पी रोम राजन की पीठ ने मोहम्मद रियास नाम के एक व्यक्ति की एक अपील पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की। आरोपी ने अपनी जमानत नामंजूर किए जाने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक रियास ने कहा है कि वो किसी भी आतंकी संगठन का हिस्सा नहीं था। रियास ने अपनी अपील में दलील दी थी कि उससे अलग रह रही उसकी हिंदू पत्नी की शिकायत के बाद उसे आतंकी आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि केवल वैवाहिक विवाद से जुड़ा हुआ मामला है या उसकी पत्नी के किसी के दबाव में आकर उसके खिलाफ ये आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि उनकी पत्नी ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसी INA ने दलील दी थी कि रियास के पास से दो लैपटॉप जब्त किए गए जिसमें जिहाद आंदोलन के बारे में साहित्य इस्लामी उपदेशक जाकिर नायक के भाषणों के वीडियो और सीरिया में युद्ध से जुड़े कुछ वीडियो हैं। हालांकि पीठ ने कहा है कि इस तरह के वीडियो सार्वजनिक हैं और लोगों के बीच हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति इन चीज़ों को देखता है उसे लेकर उसे आतंकवाद में संलिप्तता ठहराना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।